आज हम हैं सीपी में। यहाँ पे हम लोग आज ट्राई करेंगे 0 डिग्री का फूड, और काफ़ी अफोर्डेबल का कैफे है, इसके बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। और M31 M37 कनॉट प्लेस आउटर सर्कल वाली लोकेशन पे हैं हम, और आज ट्राई करते हैं इसका फूड कैसा है। सुना बहुत है इसके बारे में, लेट्स ट्राई। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा फूड है, कैसा मतलब लाइक आप यहाँ पे आ सकते हो या नहीं, इट इज़। सो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो वेटिंग पे बैठाया हुआ है एज़ यूजुअल, आई थिंक यहाँ सुना भी हुआ है वेटिंग भी काफ़ी होती है। और एम्बियंस ना मतलब ठीक है, कंजस्टेड है थोड़ा, पर ठीक है। अभी जो न्यू खुला है और वेटिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे एज ऑबियस, मतलब आधा घंटे का बोला था, अब आधा घंटे से भी ज़्यादा आई थिंक लग सकता है। सो वेटिंग के मामले में तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, पर लेट्स सी फूड कैसा होता है। तो वो मतलब कितने लोग हैं भाई, कितनी पॉपुलैरिटी है इसकी। लोग बस बैठे हुए हैं तब से, इवन हमें 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, अभी तक लोगों का आना रुका नहीं है। तो फूड बहुत ही होगा यहाँ का है, देखते हैं। तो अब हम बैठ गए अंदर। तीन हमने जो ऑर्डर करे चीज़ें वो है पिज़्ज़ा फ्राइज, बेक चीज़ नाचोस और मैंगरीटा पिज़्ज़ा, और एक चॉको ब्राउनी वाला एक शेक है वो। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसा है ये टेस्ट रिव्यू में। तो अभी आप इसका एम्बियंस देखो कैसा है, ठीक है। ऑर्डर को दिए हुए 5 मिनट हो गए हैं, दिखाती हूँ बताती हूँ मैं कितने टाइम में आता हूँ। बैठे हैं हम सभी, थोड़ा गाने बहुत लाउड है। तो पहला ऑर्डर तो आ गया, बेक्ड चीज़ नाचो एंड दिस वन इज पिज़्ज़ा फ्राइज। बाहर आ गए ना 0 डिग्री कैफे से, तो सारी चीज़ें अफोर्डेबल थी। 960 मतलब टोटल आया है, तो अफोर्डेबल है काफ़ी, पॉकेट फ्रेंडली कैफे है। सो आप इस वजह से यहाँ पे आ सकते हो। और खाना ना प्रिपेयर होने में आई थिंक 5 या 10 मिनट बाद हमें खाना मिल गया था, सर्व हो गया था। और कहूँ बात करूँ खाने की, तो खाना जो है वो मुझे ठीक लगा, मतलब इतना वाव नहीं लगा। अब आई थिंक टेस्ट टू टेस्ट डिफर करता है लोगों के, पर मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। फ्राइज़ जो ली थी पिज़्ज़ा फ्राइज़ ठीक थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। उसमें काफ़ी ना मतलब लाइक सॉस जो थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, उसमें टैंगी सा फ्लेवर था सॉस का ना, काफ़ी खट्टा खट्टा। तो मेरा तो पर्सनल टेस्ट नहीं है, माइट भी ये हो सकता है कि इस पर इतना वाव नहीं लगा मुझे। और पिज़्ज़ा भी ओके ही था, मतलब इतना वाव नहीं था, ठंडा भी था थोड़ा, सर्व भी अच्छा नहीं हुआ था। हाँ नाचोस जो थे वहाँ पे बेक नाचोस वो बेस्ट थे, वो मुझे अच्छे लगे। उन तीन चीज़ में एक ही चीज़ थी जो मैं थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई खा लूँगी। और लास्ट में जो थी चौको शेक, वो भी ठीक था, मतलब वो भी ठीक था, इतना बेकार नहीं था। तो वो भी खाने मतलब अच्छा था शेक, चॉकलेट शेक ठीक था और अच्छा था, वो बेकार नहीं था।
और तो ओवरऑल बट अगर मैं देखा जाऊँ दो चीज़ें मुझे सही लगी हैं और दो चीज़ें मतलब लाइक मुझे इतनी ओके लगी, तो ठीक है, मतलब अफोर्डेबल है बट आई थिंक टेस्टी टेस्ट वाइज इज़ ओके फ्रॉम माई साइड। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे सीपी में और देखेंगे जगह वगैरह थोड़ी ऐसी। अभी सीपी घूम रहे थे आगे, तो अभी हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे जो कि मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में कि यहाँ पे ना मतलब 30 रुपीज़ की आपको इयरिंग की सेल मिलेगी। बहुत अच्छे इयरिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट, जो आपको ऑनलाइन मतलब लाइक 150 से 200 रुपये के मिलेंगे ना वो ही यहाँ पे मतलब 30 रुपीज़ में मिल रहे हैं, बेस्ट वो भी। तो मैंने कई 2-3-5-6 लिए हैं यहाँ पे इयरिंग, तो वो मैं ब्लॉग में ही दिखाऊँगी। और काफ़ी अच्छा लगा मतलब ये देख के ना, यहाँ पे इतना आपको अफोर्डेबल इतने अच्छे प्राइस में वो मिल रही हैं, तो आप भी ले सकते हो। तो आपने देखा सीपी में मतलब लाइक 0 डिग्री कैफे इज़ वेरी मच गुड, मतलब ठीक है, ओवरऑल ओके लगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और जो मैंने इयरिंग्स दी है ना वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग से दिखाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।